स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1.9, 1.10 एंड 1.11। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.9 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ सिस्टम हैज टू चार्जेस क्यू ए इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻¹⁷ कूलम एंड क्यू बी इज इक्वल टू −2.5 × 10⁻¹⁷ कूलम लोकेटेड एट पॉइंट्स ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। हमें टोटल चार्ज निकालना है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताना है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एक चार्ज पॉजिटिव है उतना ही दूसरा चार्ज नेगेटिव है, और जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं और उनके बीच में कोई सर्टेन डिस्टेंस होता है तो उसको हम कहते हैं ये सिस्टम कहलाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। और जो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 2a से। इसको आपने ध्यान रखना है, 2a विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और टोटल चार्ज हम कैसे निकालेंगे? टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, हमें चार्ज की प्रॉपर्टी पता है कि चार्जेस ऐड होते हैं बाय द रूल्स ऑफ एलजेब्रा। हमें सिंपली ऐड करना है क्योंकि चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो टोटल चार्ज करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है? क्यू ए प्लस क्यू बी। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। डिस्टेंस को हम 2a से रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसको a नहीं मेंशन करेंगे, ये 2a ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो q हमें गिवन है और 2a हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं और समझते हैं। स्टूडेंट्स पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ध्यान दीजिए कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हम यूजुअली लेफ्ट राइट वाले सिस्टम को डायरेक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर नीचे वाले को y से रिप्रेजेंट करते हैं और आगे पीछे वाले को z से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी क्योंकि हमें z कोऑर्डिनेट नॉन जीरो दिया हुआ है दोनों में, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट कैसे दिए हुए हैं? जीरो दिए हुए हैं, इसलिए मैं इसको z रखने वाली हूँ, इसको y ही और इसको x रखने वाली हूँ, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस डायरेक्शन को z भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, इसको x भी मान सकते हैं। ये बस ध्यान रखना है आपने कि आप किसी को भी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई सी भी एक्सिस का नाम चेंज कर सकते हैं, बस उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्रेजेंट करना है उनका लोकेशन, ठीक है। देखिए लोकेशन कैसे रिप्रेजेंट हुआ। ये जो पॉइंट है ओरिजिन का, यहां पर कोऑर्डिनेट कितना है? जीरो जीरो जीरो, मतलब एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है और जेड भी जीरो है। ए पॉइंट का लोकेशन देखिए, आगे पीछे में जीरो, मतलब इसी लाइन पर है, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं है, इसका मतलब वाई जीरो है, ठीक है। ऊपर जाएगा तो वाई की कोई ना कोई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी, क्योंकि वाई ऊपर नहीं है इसलिए कोऑर्डिनेट जीरो है, इसका मतलब इसी लाइन पर है। बट जेड जीरो नहीं है, −15 है, तो जेड इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव होगा लेफ्ट में। तो इधर से हमने कोई भी ये डिस्टेंस मान लिया, ये 15 है, तो ये कितना हो गया? −15, ठीक है। बी की लोकेशन भी ऐसे ही दी, जीरो जीरो एक्स और वाई है और जेड कैसा है? +15, इतना ही दूर जितना ये मैंने मेंशन किया। तो इससे हमें थोड़ा सा कन्वीनियंस हो जाएगा कि ये हमें डायरेक्ट दिखाई देगा, अदरवाइज आप जेड पे रिप्रेजेंट करते, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। वी आर गिवन दैट क्यू ए इज इक्वल टू दिस, क्यू बी इज इक्वल टू दिस। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी क्यू ए प्लस क्यू बी। क्यू ए ये रखा, माइनस ये रखा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए उसको वैसा ही रखना है जिस साइन के साथ उसको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको प्लेस किया और रिजल्ट क्या आ गया? जीरो। तो टोटल चार्ज किसी भी डायपोल का कितना होता है? जीरो होता है।
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, P इज इक्वल टू ईदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। डिस्टेंस कितना है पहले ये देख लेते हैं, A पर एक चार्ज है और B पर दूसरा चार्ज है, ये ए बी डिस्टेंस जो है वो बिटवीन द टू चार्जेस कहलाएगा। कितना है ये डिस्टेंस, आप जीरो नहीं कहेंगे क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्टेंस है, तो एक्चुअली ये नॉन जीरो है। यहां से यहां तक कितना है 15 और यहां से यहां तक कितना है 15, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया ए बी 30, कितना 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर ये तो सीजीएस सिस्टम है तो आप इसको एसआई में कन्वर्ट करेंगे 0.30 मीटर, तो पूरा 2a की जगह हम क्या रखेंगे 0.30 और q की वैल्यू हमने यहां पर प्लेस की, हमारा रिजल्ट आ गया 0.75 × 10⁻¹⁷ कूलम मीटर। डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होती है, तो आपकी डायरेक्शन होगी b से a की तरफ, ठीक है, अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। ये आपका ये वाला क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 1.10 पर। 1.10 देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻¹⁹ कूलम मीटर इज अलाइंड एट 30° विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड दे रखी है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट हमें गिवन है, उसको रखा कैसे गया है, अलाइंड का मतलब उसको रखा गया है कैसी लाइन में है, वो मेकिंग एंगल ऑफ 30° विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ये मानते हैं तो डाइपोल कैसा प्लेस है 30° एंगल बनाते हुए, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अभी हमने की माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होती है, तो ये डायरेक्शन किसकी कंसिडर होगी, पी वेक्टर की। पी क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो हमें गिवन है पी दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ई दिया हुआ है और टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल निकलवाया है, मैग्नीट्यूड ही पूछा है केवल, ठीक है। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल क्या होता है, फॉर्मूला पी ई साइन थीटा। ये आप थ्योरी लेक्चर्स में आपने पढ़ा भी होगा और आप देख भी सकते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी ई साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू पी की वैल्यू हमने प्लेस की, ई की वैल्यू हमने प्लेस की और साइन ऑफ थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। आप देख सकते हो पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 30°। तो ये वैल्यूज हमने प्लेस की, रिजल्ट हमारा 10⁻⁴ न्यूटन मीटर आ गया। याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी आप एग्जाम में और न्यूमेरिकल्स अभी भी सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस वक्त में न्यूमेरिकल्स जब कंप्लीटली सॉल्व हो जाएं तो लास्ट में आंसर में आप यूनिट नहीं छोड़ें, ठीक है। आपको पता है टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, तो टॉर्क का यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर। आगे बढ़ते हैं 1.11 पर। अ पॉलिथीन पीस इज रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻¹⁷ कूलम। एक पॉलिथीन पीस है जिसको रब किया गया है वूल के साथ, पॉलिथीन और वूल इन दोनों को रब किया गया है, पॉलिथीन पे कैसा चार्ज आया है नेगेटिव। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए, फ्रॉम विच टू विच, किससे किसको ट्रांसफर होंगे ये भी बताना है। बी पार्ट इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन। क्या कोई मास का भी ट्रांसफर होगा, तो एक बार स्टूडेंट्स हम समझ लेते हैं, नहीं तो आप मेरी थ्योरी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें हमने किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जब आता है तो इलेक्ट्रॉन का किस तरह का शिफ्टिंग होता है, और आई होप आपने थ्योरी में पढ़ा भी होगा। तो जब जिस बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज आता है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन आया है, मतलब गेन हुआ है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो जो गेन कर रहा है और इसका मतलब ये लूज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो हमसे पूछा फ्रॉम विच टू विच,
हमें नाम बताना है। तो कहाँ से कहाँ गया इलेक्ट्रॉन, बूल से पॉलिथीन को मिला है, क्योंकि इसको कैसा चार्ज मिला है, नेगेटिव। देखिए फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज मेंशन दिया किया हुआ है, तो हमें नेगेटिव चार्ज पता है कितना है, 3×10⁻⁷ नेगेटिव में। और हम क्वांटाइजेशन के रूल से जानते हैं क्यू इज इक्वल टू एन ई, एन इज इंटीजर, ई इज मिनिमम चार्ज, तो Q कितना हो गया −3×10⁻⁷ इज इक्वल टू N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, E इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, नेगेटिव ऑफ दिस N। तो N हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि N नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए पॉलीथीन एक एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और दूसरा एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्चुअली मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन मटेरियल पार्टिकल है, तो जब भी वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा तो मास का ट्रांसफर तो होगा ही, ठीक है। तो मास का ट्रांसफर होगा, इसका आंसर हमारा बी पार्ट का क्या है, यस। अब हम बताएंगे कि कितना ट्रांसफर होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ेगा इसमें, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1×10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। और जितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, मतलब एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, जितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उतना मास ट्रांसफर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को करते हैं, वी आर गिवन दैट क्यू इज इक्वल टू दिस, ठीक है। एन इज इक्वल टू, हमें निकालना है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई इज इक्वल टू −1.6×10⁻¹⁹ कूलम। हमें पता है क्वांटाइजेशन से क्यू इज इक्वल टू एन ई, एन हमने कैलकुलेट किया, एन आ गया 2×10⁻½ इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुए, बूल से पॉलीथीन पे, बिकॉज पॉलीथीन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है, ट्रांसफर होगा कि नहीं, अब हमें समझ आ गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन ने गेन किए हैं तो पॉलीथीन मास को भी गेन करेगा, उसका मास भी बढ़ेगा, ठीक है। तो कितना मास बढ़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1×10⁻³⁹ किलोग्राम, तो n इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ चुके हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो मैंने यहां मेंशन किया, यस देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास आल्सो बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ मटेरियल पार्टिकल। आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ट्रांसफर्ड विल बी n इंटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो n हमारा आया 2×10⁻½ इंटू 9.1×10⁻³⁹। ये कैलकुलेशन होगी, दिस विल बी द रिजल्ट, इतना मास, जबकि ये बहुत ही स्मॉल मास है बट ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको तीनों न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करेंगे। थैंक यू।